माशाल्लाह ये बोरवेल का पानी आ रहा है, ये बोरवेल का है जी। और नल का पानी एक दिन याद रहेगा। अच्छा, नल का भी इधर है माशाल्लाह, सब इधर है स्टोरेज के लिए। कितना आ जाएगा, बहुत पानी रहे उसमें भी। चलिए माशाल्लाह पानी भी काफ़ी है, देखिए बोरवेल का भी है, नल का भी है, स्टोरेज के लिए टैंक है नीचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो की इत्तला जल्द से जल्द होगी आपको। और आपके भी प्रॉपर्टी सेल्स पे या रेंट पे या किसी किस्म का मेरे चैनल के ज़रिए आपको प्रमोशन कराना है तो मेरा नंबर है 9985750330। और यूट्यूब चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद को आप फॉलो करें। मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी नज़र आऊँगा, उसको भी आप फॉलो करें। देखिए अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये मेन जलपल्ली गेट से जो आगे रोड जा रही है, वादी हदीस बोल कॉलोनी बोलकर मशहूर है ये, और इसी के सामने दरगाह है ये। ये दरगाह भी काफ़ी मशहूर है। ये मेन जो रोड आपको आगे जा रही है वो पहाड़ी शरीफ दरगाह को जाएगी। मैं आपको आगे तक ले जाकर बता रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी है, अच्छा है। आप रोड साइड देखेंगे दोनों तरफ मलियाँ मूवमेंट है, तो बिल्कुल बस्ती बन चुकी है, अच्छे बस्तियाँ बन गए हैं अंदर। मैं आगे तक लेके जाके ला रहा हूँ। जो हमारा लोकेशन है बिल्कुल दरगाह के, ये दरगाह जो है इसी के स्ट्रेट गली है, जिसमें दो घर है रईस रफीक भाई के। आपको एक कम बजट का भी है, उसके लिए भी आप आएंगे तो दोनों घर देख ले सकेंगे। देखिए सारे डिटेल मैं रफी भाई से लिया हूँ। जो मेन रोड है बिल्कुल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में दरगाह भी है, मस्जिद भी है बताई जा रही है, काफ़ी बड़ी है, मशहूर मस्जिद और मस्जिद दरगाह है। और ये रोड जो मेन रोड है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे जो प्रॉपर्टी है मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो आजू बाजू भाई के घर है, पूरा डिटेल लिया हूँ, वीडियो से बने रहे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक अच्छा घर लाया हूँ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ और सारे सहूलतों के साथ। बोरवेल नल खारे घर के अंदर लेते जाता हूँ, फिर लेकिन आपको बाहर का भी नज़ारा बताता हूँ। फिर जो ओनर है हमारे रफ़ी भाई भी साथ में, उनसे भी बात करते हैं। देखिए बिल्कुल रोड से करीबी वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टीज़ है, बहुत अच्छे पैमाने पे घर बने हुए हैं। अंदर घर भी बताऊंगा, जो ओनर है रफ़ी भाई उनसे एड्रेस ले लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेन रोड है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? रफ़ी है मेरा नाम जी। रफ़ी भाई, ये जो आपका मकान बेचने का है कौन सा मकान कहलाता है? ये न्यू बाबा नगर आता जी, हाईवे रोड मेन रोड से चौथा घर। ये दरगाह भी है मशहूर, अभी हबीब मियां दरगाह, हबीब मियां की दरगाह की गली है। और ये रोड बन रही है जैसा है, खुदाई भी हो गई है। देनी लाइन आ गई, जरा आप बता ले सकते हैं जी। और ये मीठे पानी का, ये मीठे पानी की लाइन है, आपके नहीं आ गई लाइन? हाँ आ गई लाइन। चलिए माशाल्लाह, ये ड्रेनेज लाइन भी आ गई। तो अभी छह महीने 15 दिन में भी आ सकती, 2 महीने भी हो सकती। चलिए रोड की तैयारी पूरी हो गई, देखिए बता दिए तो जी। अच्छा ये ड्रेनेज लाइन का सिस्टम है, ड्रेनेज लाइन नाला बाजू पर। अच्छा चलिए, तो इंशाल्लाह काम जल्दी रोड का भी हो जाएगा, क्योंकि सारे सहूलतों के लिए लोग पूछते हैं रोड वगैरह के लिए, इसलिए मेरा बताना काम है सब। देखिए हो सकता है मेरे वीडियोस थोड़े लेंथी लगे आपको, लेकिन मैं जितना कोशिश करता हूँ कि घर बैठे आपको जितनी नॉलेज दे सकूँ मैं कोशिश करता हूँ। मैं चाहा तो 1-2 मिनट के भी वीडियोज़ बना सकता हूँ। और रफी भाई, ये घर भी पूरे अंदर वेंचर बन रहा क्या आगे? अंदर वेंचर बन रहा, राइट में भी अपनी बना के बेचे, उसके लेफ्ट में भी अपना ही। माशाल्लाह, चलिए बहुत सारे घर है रफी भाई के, आप लोग रابطہ पैदा कर सकते हैं। माशाल्लाह भाई का इसी में काम है, काफ़ी अच्छे मशहूर मशरूफ शख्सियत है, तो आप लोग एक बार मिल सकते हैं आके, अगर आपके प्रॉपर्टी से ये एरियो में चाह रहे हैं तो। तो ये देखिए जैसा घर अंदर जाएंगे रफी भाई, ये फेस कितना है आइडिया है? 22। और कितने गज आ रहा है ये? 150 गज। चलिए घर बता लेते हैं आपका। 30 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड है। और ये ड्राइंग रूम है, अभी आप ही भाई किराए पे दिए हुए, जिसका किराया भी अच्छा रहा उस ताल्लुक से भी बात करेंगे। जैसा हम अंदर जा रहे हैं, एक सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है उस पर भाई एक अच्छा सा रूम बनाए हैं, वॉशरूम। और ये है ड्राइंग रूम गैलरी जी, ये देखिए। और ये देखिए अभी किराएदार है यहाँ मौजूद। और ये ड्राइंग रूम का डोर जो है बाहर की तरफ खुल रहा है, और सीलिंग बहुत प्यारी है, लाइट्स खोले नहीं भाई। देखिए जैसा ड्राइंग रूम आपको बताया मैं, और इसी से आपको अंदर एक सेक्शन रहेगा जो बताऊंगा मैं, ये पोर्शन जो आपको कंप्लीट एक फैमिली के लिए रहेगा। और ये देखिए रफी भाई, इसको क्या बनाए आप? गैलरी है। जाने के सीढ़ियां स्ट्रेट सामने से, वो बताऊंगा आपको मैं। और ये देखिए अंदर जैसा जाएंगे आप, ये सेकेंड पोर्शन के हिसाब में रहेगा। एक पोर्शन ड्राइंग रूम से कम्प्लीट हो रहा है आपका, या पूरा इस्तेमाल करें आप, या फिर एक पोर्शन किराए पर भी दे सकेंगे रेंटल। हॉल काफी बड़ा है इसमें, माशाल्लाह काफी बड़ा जी।
काफ़ी बड़ा हॉल है। देखिए आप सोफे वगैरह डलने के बाद भी काफ़ी जगह बाकी है इसमें भी, ये देख सकते हैं आप। और जैसा मैं आपको बताया ड्राइंग रूम से, ये है देखिए ड्राइंग रूम को लगकर एक रूम है, इसको आप बेडरूम बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको किचन भी है, ये देखें एक फैमिली के लिए जितना किचन की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी बड़ा है। और एक हमाम बाथरूम है, ये देखिए आपको इसके इसके टाइल्स भी लगे हुए 7-8 फीट लगे हुए एग्जस्ट के साथ है आपको। तो रफ़ी भाई ये एक पोर्शन एक हिसाब में कंप्लीट हो जाएगा एक फैमिली के लिए जी। अगर आप सेकंड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ये देखिए हॉल जैसा आ रहा है और काफ़ी बड़ा हॉल है जैसा बोला मैं आपको। सोफे वगैरह आने के बाद भी काफ़ी जगह है देखिए आप, और सीलिंग भी बहुत प्यारी है, सोबर करीबी है। और ये डक का एरिया है जहाँ वॉशिंग एरिया बना सकते हैं आप, वेंटिलेशन के साथ आपको वॉशिंग एरिया बनेगा ये। और यहाँ पर आपको दो बड़े बेडरूम मिलेंगे जो अटैच बाथरूम के साथ है, दोनों रूमों में अटैच है ना रफी भाई? दोनों रूमों में अटैच, फिर वेंटिलेशन भी, देखिए वॉशिंग एरिया भी है। देखिए अच्छे कलरफुल है, बहुत प्यारे कलर्स के साथ, ये देखिए आप। और आपको ऊपर सजा भी दलावा है, रेयर इस्तेमाल होने वाला सामान रख सकते हैं। चलिए माशाल्लाह, उस ताल्लुक से डिटेल पूछूंगा रफी भाई, ये खोल दे आप। ये देखिए दीवारें रूम में काफी नीट बने हुए हैं, लाइट्स खोल दे। ये देखिए आप, काफी बड़ा अटैच बाथरूम है इंडियन डब्ल्यूसी के साथ भाई। गीजर्स भी लगे हुए हैं किराएदार के। ये देखिए यहाँ पर डग है शायद, अच्छा अच्छा वॉशिंग एरिया भी, वॉशिंग एरिया भी है यहाँ पर भी, आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। देखिए बहुत कम दिखने में आता है इस तरह, आपको बिल्कुल वेंटिलेशन के साथ वॉशिंग एरिया है। ये एक बड़ा बेडरूम और अटैच बाथरूम के साथ हो गया। ये दूसरा वाला बता रहा हूँ आपको मैं, ये देखें एक में इंडियन और एक में वेस्टर्न डब्ल्यूसी के साथ बनाए बता रहे हैं भाई। खोल दीजिए रफी भाई, वो भी यहाँ के कलर्स अलग है। देखिए लो रूफ है ना वो, लो रूफ पे रेयर इस्तेमाल करने का लिए आपको यहाँ पर है, उस पर भी आपको शेल्फ लगे हुए है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप कुछ देखते हैं तो ये चीज़ सीखते हैं, बहुत लोग ओपन रख देते हैं भाई, उसको कबर्ड्स लगाए हैं, इस पर लुक अच्छा आ रहा है। और ये देखिए रूम, और ये एक हमाम बाथरूम है, ये यहाँ पर वेस्टर्न डब्ल्यूसी के साथ है देखिए आप। और यहाँ भी आपको एक्सटेंड के लिए गली में लगाया है, बहुत अच्छी प्लानिंग से बनाया गया है भाई दोनों वॉशरूमों के लिए जी। तो रफी भाई ये किचन है हमारा, ये किचन जी, ये देखिए किचन का स्टैंड वगैरह कंप्लीट बना हुआ है। और यहाँ भी आपको शेल्व्स बने हुए हैं पूरे ऊपर, जिसको आप सज्जे कहते हैं। और यहाँ भी देखिए वेंटिलेशन अच्छा है, आप एग्जस्ट ऊपर लगा लेंगे तो पूरा धुआं बाहर निकल जाएगा किचन का। तो मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ छत पर, ये पूरा बता चुका हूँ। देखिए यहाँ भी खुला एरिया है, अगर आपके कोई मेहमान आते दोस्त वगैरह तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आप सोफे या डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करा गया है। तो रफी भाई ये स्टोरेज के लिए ना, ये स्टोरेज वो है बोरवेल, ये है। अच्छा बोरवेल है, आपकी बोरवेल भी स्टार्ट कराएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आप स्टेयर जो बने हुए हैं 4 फीट के है रफी भाई, ये 4 फीट है, ग्रेनाइट लगे हुए हैं। और जो SS की रेलिंग टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप बोले या टॉप टू बॉटम बोले आप, पूरा SS में और अल्मीनियम में। अच्छा माशाल्लाह, तो ये देखिए छत जो आ गया हूँ मैं, बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। और सबसे पहले आपको रोड बताऊंगा, बड़े गाड़ियाँ जा रहे हैं, ये जलपल्ली रोड कहलाएगी, जलपल्ली मेन रोड, राइट से जाएंगे तो आप जलपल्ली गेट जाएंगे। ये देखिए वालों को भी शॉर्टकट रास्ता निकला यहाँ से जी। तो देखिए आजू बाजू भी घर अच्छे बन रहे हैं, ये देख सकते आप, RCC के 2-2, 3-3 फ्लोर है। अभी यहाँ झाड़ों की रौनक है और झाड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, काली आइस वालों झाड़ू मार लेकर रहना है। ये देखिए आप, चलिए देखिए आपको ये भी बता दूं, ये जो टाइल्स है जो फ्लोरिंग पे लगे हुए हैं 2x4 के हैं, जो नए हैं उनको बता दूं 2x4 की जो कीमत होती है ज़्यादा होती है, टाइल्स 2x2 के जो होते हैं उनकी कम होती है। और यहाँ तक आपको टाइल्स है घर में पूरे, और यहाँ पर आपको ग्रेनाइट है जो स्टेयर्स पे और पार्किंग एरिया में आ रहा है जी। ये देखिए बोरवेल भी रफी भाई चालू कर रहे हैं अभी, ये देखिए आप
यहाँ तक आपको ग्रेनेट लगा हुआ है और जो गेट भी बनी है बहुत प्यारी है। और ये जो नीचे आपका सीढ़ियों के नीचे का एरिया आ रहा है, यहाँ पर एक इंडियन डब्ल्यूसी है। ये देखिए पानी है, माशाल्लाह पानी है, बोरवेल का है ना रफी भाई? है जी, ये मीठे पानी का कनेक्शन है, मीठे पानी का कनेक्शन भी आ गया आपका, नहीं माशाल्लाह। तो चलिए ठीक है, आपसे डिटेल ले लेते हैं, आ जाएं। तो माशाल्लाह आपका पूरा घर बता दिए, ग्राउंड फ्लोर पे अच्छी तरह बना हुआ है, दो पोर्शन के हिसाब में बना हुआ है रफी भाई, माशाल्लाह खूबसूरत है। तो रफी भाई फिर से एक बार ये चाहूंगा कि ये मुकाम क्या कहलाता है? ये न्यू बाबा नगर कहलाता, शाहीन नगर मेन रोड, न्यू बाबा नगर, हबीब मियां दरगाह के मेन रोड से आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 20-30 कदम पे है जी। पानी की क्या सहूलत है यहाँ पर? बोरवेल है, मीठा पानी का कनेक्शन, दोनों भी चालू है, वो भी बता दिया आपके माशाल्लाह। तो अभी सीधा अगर क्या किराया आ रहा, अभी आप किराए पे दिए प्रेजेंट 12,000 रुपए, 12,000 रुपए किराया आपको हासिल हो रहा? हासिल हो रहा। चलिए माशाल्लाह। तो अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो क्या है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पट्टे से है, पूरे है, जो भी आएंगे वेरिफिकेशन करा देंगे, करा दिए। तो चलिए माशाल्लाह सारे सहूलतों के साथ आपका कितने गज आ रहा है एग्जैक्ट? ये 150 गज आ रहा, 150 पेपर पे आ रहा, पेपर पे आ रहा। चलिए तो अब क्या उम्मीद जता रहे हैं आप इसकी रेट? 61 लाख रुपीस, 61 लाख रुपए उम्मीद की जा रही है। जो रेडी टू मूव वाला घर है, बिल्कुल आए आप लोग देख लें, इसमें कमी पेशी भी होंगी ना? हाँ थोड़ा बहुत होगा, लोन वाले भी आ सकते हैं, लोन वालों को सपोर्ट करेंगे। चलिए देखिए ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, हर टाइम मुझसे लोग पूछते हैं कि लोन फैसिलिटी है क्या। तो मेन फैसिलिटी जो होती है आपके बैंक स्टेटमेंट पे भी बहुत मायने रखता है भाई, कोशिश करा सकते हैं, आपका कैसा है सीवी वो बहुत मायने रखता है, जहन में रखें। तो ये पे होगा, तो जो भी इंटरेस्टेड है रफी भाई से कांटेक्ट करें। रफी भाई नंबर बताया आपका? 8328-381931। चलिए माशाल्लाह भाई का इसी फील्ड में ज्यादा काम है, अच्छा नाम है, तो आप लोग और मजीद प्रॉपर्टीज के लिए भी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।